इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन के बारे में। तो देखिए, इसका लास्ट डेट है 20 जुलाई 2021 और अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। उससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी अपडेट है, यूजीसी नेट पहली बार क्वालिफाई करने के लिए हम आपके लिए आए हैं इंडिया का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज पीडीएफ नोट्स। सो देखिए, पेपर वन की कॉस्ट है 99 रुपीज़, इसमें आपको मिलेगा यूनिट वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिलेगा 99 रुपीज़ में। अगर आपका पेपर टू में सब्जेक्ट है हिस्ट्री, कॉमर्स, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, एजुकेशन, पोलिटिकल साइंस, इसका टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा 99 रुपीज़ में। पूरा टेस्ट सीरीज पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे सेंड किया जाएगा 99 में। इसके लिए आपको हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप करना है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप इसे इंस्टा मोजो के डिजिटल स्टोर से भी ले सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके चेक। तो ये एडमिशन है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। अगर आप देखें यहाँ पे इसकी रैंकिंग की बात पहले हम कर लेते हैं। अगर आप एनआरएफ रैंकिंग देखेंगे 2019 में तो ये फोर्थ रैंक पे था पूरे इंडिया में, यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो ये फोर्थ रैंक पे थी यूनिवर्सिटी। सो अगर हम 2021 की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बात करें तो इसमें भी ये टॉप यूनिवर्सिटी में मानी गई है। सो देखिए, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको अप्लाई करना है पीएचडी के लिए, तो देखिए 21 जून से यानी कि 21 जून से ये एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये ब्लू कलर में 21 जून लिखा है और लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए देखिए 20 जुलाई, यानी कि आपके पास पूरा एक महीना है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखिए जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए जो फ़ी है, उसकी जो फ़ी है देखिए वो है 600 रुपये, 600 रुपीज़। ई डब्ल्यू एस कैटेगरी के है 550 रुपीज़, ओ बी सी के लिए है 400 रुपीज़, सो अदर एस एस टी के लिए है 275 रुपीज़। तो एक अगर आपने फ़ी पे कर दिया, आपको रिफ़ंड नहीं होगा, तो आप अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपने मान लीजिए कि जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो आपको यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अगर आपने मास्टर डिग्री किया है ओनली, तो आपको यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा और आपको साथ में उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और आपको देखिए साथ में फेलोशिप मिलेगी, साथ में है ना, फेलोशिप मिलेगी आपको। देखिए जैसे 5 साल के लिए होती है पीएचडी, तो आपको 70 से 80 हज़ार रुपये जो है वो मिलेगी फेलोशिप, तो आप उसे आराम से कर सकते हैं उससे। तो जब आप अप्लाई करेंगे आपको उसका सब कुछ डाटा मिल जाएगा। तो देखिए, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं पीएचडी के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे है अप्लाइड मैथ्स है, इसका कोड है 02, और पीएचडी आप कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में, फिज़िक्स में। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 55% मार्क्स चाहिए, है ना। देखिए आप 55% सभी में कॉमन है। अगर आपके मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब नीचे चलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि पीएचडी इलेक्ट्रॉनिक साइंस इंजीनियरिंग में है, अर्थ ओशन एंड एटमॉस्फेरिक साइंस में आप कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंट बायोलॉजी है ना, और बायोटेक्नोलॉजी, सिस्टम एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, इंग्लिश है, फिलोसफी है, हिंदी, तेलुगू, उर्दू, और देखिए साथ में अप्लाइड लैंग्वेज सोशोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, एजुकेशन है, रीजनल स्टडीज़ है, फोक कल्चर स्टडी है, जेंडर स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, डांस है, थिएटर आर्ट्स है, कम्युनिकेशन है, मैनेजमेंट स्टडी है, बहुत सारे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, आप इसमें पीएचडी कर सकते हैं। हेल्थ साइंस में देखिए पब्लिक हेल्थ है, बायोमेडिकल साइंस है, साइकोलॉजी है ना, कॉग्निटिव साइंस है, तो मटेरियल इंजीनियरिंग है, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। तो जैसे आप यहाँ पे विज़िट करेंगे आपको खुद से भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो देखिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो ये सारे सब्जेक्ट है। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी है इनके, हैदराबाद विश्वविद्यालय। जैसे आप मान लीजिए पीएचडी करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो देखिए यहाँ पर सेमेस्टर वाइज फ़ी लिखी हुई है, और देखिए जैसे उसके अलावा देखिए कि ये सेकंड सेमेस्टर है जो उसकी 3145 3145 और 5145 है थर्ड सेमेस्टर की, यानी कि 5145, और जो लास्ट सेमेस्टर है जो 2023 में आएगा
उसकी जो फ़ी है वो है 3,145। तो ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पे देखिए फ़ी लिखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री जैसे बायोलॉजी की है तो इतनी फ़ी है ना। साइंस वाले सब्जेक्ट की ज़्यादा है, आर्ट्स वाले की कम है। देखिए जैसे ही आप इसमें फ़िलासफ़ी में जाएंगे उसकी भी तकरीबन सेम ही है।